नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बड़ी ही अनोखी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम लेफ्ट ओवर चावल की सेव बनाएंगे। जिस तरह से गर्मी के मौसम में हम चावल के पापड़ बनाते हैं, इस रेसिपी का स्वाद उसी से मिलता जुलता है। बस ये फर्क है कि ये तुरंत बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च यानी व्हाइट पेपर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून चाट मसाला, 3 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 कप लेफ्ट ओवर राइस। अगर इसमें नमक डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 2 मध्यम आकार के उबले आलू, ये पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तेल तलने के लिए और थोड़ा भूनने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल के सेव। सबसे पहले हम आलू को काट लेंगे बारीक। देखिए हमने आलू को काट लिया है। अब मिक्सर जार में हम 1/2 आलू, 1/2 चावल, 3 टेबलस्पून तेल डालकर, आप हाथ से या फिर हैंड मैशर से भी मैश कर सकते हो। अगर मिक्सर यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि उसे ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, और जो आलू यूज कर रहे हो वो ज्यादा गीले ना हो, नहीं तो पेस्ट बहुत ही ज्यादा गीला हो जाएगा और सेव नहीं बनेंगे। इसे हम पीस लेंगे पेस्ट की तरह। देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम एक बर्तन या परात में निकालेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी बचा हुआ आलू और चावल को 3 टेबलस्पून तेल डालकर पीस लेंगे पेस्ट की तरह। देखिए हमने फिर से पीस लिया है इसे। अब इसे भी हम निकाल लेंगे बर्तन पर। अब इस डो में चाट मसाला, सफेद मिर्च, अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून तेल, 3 टेबलस्पून चावल का आटा डालकर इसे गूंद लेंगे। देखिए हमारा आटा बन सा रहा है। अब इसमें 1 टेबलस्पून फिर से तेल डालकर हम गूंद लेंगे। देखिए आटा पूरी तरह से बन चुका है। ये बहुत ही चिकना सा नहीं है, ये हल्का सा फटा सा लगेगा आपको। तो ये हमारा आटा तैयार हो चुका है सेव का। अब चावल के सेव बनाने के लिए हम मध्यम जाली का इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक बड़ी सी लोई ले लेते हैं और उसे लंबा कर देते हैं इस तरह से, और सांचे में डाल देंगे। तेल अब गर्म सा हो गया है और आंच को हमें तेज ही रखना है जब तक हम चावल के सेव तल ना लें। तो चलिए हम सेव को डाल देते हैं तलने के लिए। हमें सेव को 5 मिनट तक तलना है। पांच मिनट हो गए हैं, सेव देखिए कितने कड़क से दिख रहे हैं। इसे हम किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी सेव तल लेंगे। देखिए हमने सारे सेव तल लिए हैं चावल के। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने रख देते हैं। तो चावल के सेव ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको सुनाऊंगी कितने कुरकुरे से बने हैं। हम इसे भरनी में स्टोर करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हफ्तों तक के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चावल के सेव बहुत पसंद आए होंगे। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिए और अपना मूल्य फीडबैक दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।